सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आसूस होम किचन में आपका स्वागत है। लीजिए, लेके आई हूँ मैं आज आपके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सब्जी जो बनेगी बैगन के साथ। इसको बोलते हैं बैगन स्टफ मसाला, मतलब बैगन मसाला भरवा। लेकिन इसको मैं बनाऊंगी एक अलग ट्विस्ट से, देसी स्टाइल से, जैसे कि गांव में होता है या पुराने ज़माने के लोग करते थे इसको। तो यही ट्रेडिशनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देसी अंदाज क्या है ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं बैगन मसाला भरवा के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 12 कली है यहाँ पर ये लहसुन की, 1 इंच अदरक का है टुकड़ा, ये मैंने इसको रफली चॉप करा है। साथ ही साथ है मिर्च, इसको भी मैंने रफली चॉप किया है। धनिया भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। मसालों में क्या चाहिए होगा, नमक स्वाद अनुसार, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, चाहे तो आप नॉर्मल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 चम्मच यूज़ करूँगी। हल्दी यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच यूज़ करूँगी। धनिया पाउडर यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच यूज़ करूँगी। ये है जीरा पाउडर, इसको भी मैं 1/2 चम्मच यूज़ करूँगी। साथ ही साथ कुटी हुई लाल मिर्च है, चाहे तो आप इसे यूज़ करें, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसे यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है, 2 बड़े चम्मच बेसन है। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊँगी आज सरसों के तेल में, तो 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल है। धनिया यहाँ पे ले लिया है, धनिया के बीज हैं, इसको मैंने रोस्ट नहीं किया है फ्रेंड, इसको मैं रॉ यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ ये सरसों के दाने हैं छोटे वाले, जो कि अचार में यूज़ होते हैं, ये मैं ले लेती हूँ 4 बड़े चम्मच। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच कलौंजी लिया है, मगरेल भी बोलते हैं इसको, प्याज के बीज। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने छोटी वाली सौंफ ली है, इसे फेनल बोलते हैं, तो आप इसको यूज़ कीजिए, बड़ी वाली आप यूज़ ना कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा ले लिया है, उसी का 1/2 अजवाइन और उसी के बराबर क्वान्टिटी का मैंने ये काली मिर्च पाउडर लिया है। साथ ही साथ चुटकी भर हींग लिए है, यहाँ पर तकरीबन 1/2 किलो मैंने बैंगन लिए हैं। इनको धोकर अच्छे से मैंने सुखा लिया है। आप चाहे तो इस साइज के ले सकते हैं, चाहे तो इससे भी थोड़े पतले और थोड़े से लंबे, लेकिन ज़्यादा साइज के नहीं ले सकते हैं, मैं इसके साथ बनाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा देसी अंदाज में बैगन मसाला भरवा। फ्रेंड, देसी अंदाज में आज हम यूज करेंगे सिल्को, आमतौर पर घर पर पाया जाता है, लेकिन मिक्सी ग्राइंडर की वजह से ये सब चीज़ें थोड़ा सा भूल गए हैं लोग, तो मैं आज इसके साथ बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं ये जो सूखे मसाले हैं इनको अच्छे से मैं पहले पीसूंगी। आपको इसको बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है, रोस्ट करने का एक नुकसान ये होता है कि ये मसाले फिर एक बाइंडिंग नहीं पकड़ेंगे और सूखे होंगे, ड्राई होंगे, तो उसकी वजह से ये बैगन से बाहर निकल जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम पहले रफली पीस लेते हैं। गाँव में तो फ्रेंड्स अभी भी ये सिल्का ही यूज़ होता है, इसीलिए वहाँ के खाने का टेस्ट हमारे सिटीज़ के खाने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये एक देसी सब्जी है जो कि गाँव में आपको बहुत आसानी से मिलेगी और वहाँ पे बहुत अलग टेस्ट में मिलेगी, तो उसका कारण मेन ये सिल है, ना कि मिक्सी ग्राइंडर। ओके फ्रेंड्स, इसको करने के बाद ऐड करेंगे सरसों, छोटी वाली सरसों है ये, इसको हम आराम आराम से करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलती है। एक एक करके करने का ये फ़ायदा है कि आप आराम से चीज़ों को रफली पहले आप कर लेंगे तो साथ में पीसने में आसानी होगी। अब इसमें डालेंगे ये कलौंजी। फ्रेंड्स, इसको अभी मैंने बस जस्ट पीसना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ बस मैं रफली, और खुशबू अभी से ही आने लग गई है। कलौंजी करने के बाद अब हम इसमें ये जो 4 स्पाइस मैंने रखे थे, जीरा, अजवाइन, मिर्च का पाउडर और साथ ही साथ हींग। हींग से क्या होगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है हींग। अजवाइन भी सही रहती है क्योंकि बैगन जो होते हैं थोड़े बादी होते हैं फ्रेंड्स, तो आप इनका कभी भी आप बैगन की सब्जी यूज़ करें तो उसमें हींग या फिर अदरक या फिर अजवाइन का यूज़ ज़रूर करें, टेस्ट तो टेस्ट होगा ही होगा उसमें, साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वो सब मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसको एक बार और चला लीजिए मिला के, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर बच भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
आप इसे रख सकते हैं मसाले को स्टोर करके भी। इसको अब एक बार और रफली हम क्रश कर लेंगे, देन उसके बाद आगे देखेंगे। दूसरी बार में फ्रेंड ये इतना रफली चॉप होना चाहिए बिल्कुल, मतलब आपको इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इसको बिल्कुल महीन नहीं करना है, बिल्कुल रफली चॉप करना है बस। इसको उतार के एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। बस फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा पीसने का ही टाइम लगता है, बाकी जो रेसिपी है विद इन 15 मिनट ये बनके तैयार हो जाती है। चलिए फ्रेंड अब इसी सील पे हम ले लेते हैं लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया थोड़ा बाद में ऐड करूँगी मैं, इसको भी हम अब पीस लेंगे। साथ में पीसती फ्रेंड तो दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने उसको पहले सूखे मसालों को पहले पीस के अलग रखा। मिर्च तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा रफली ही चॉप करेंगे। इसको एक बार पीसने के बाद इसमें धनिया ऐड करेंगे, बस हल्के हाथों से रफली इसको पीसेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड आपको ये रेसिपी बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही डिलीशियस लगेगी और आप इसको बना के एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे। हालांकि इसको बनाने पीसने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको एक वीकेंड पे देख लीजिए, हॉलीडे पे देख लीजिए, लेकिन एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप सील की जगह मिक्सी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले यही प्रोसेस रहेगा, सूखे मसाले अलग और ये गीला अलग। अब इसको भी हम, ये हो गया है, अब इसको भी हम उतार लेंगे। इसको इसी के ऊपर डाल देंगे फ्रेंड्स, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, इनको अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब इसमें मसाले ऐड करेंगे हम, सबसे पहले मसाले ही ऐड करें, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर 1 चम्मच, साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, रेड चिली फ्लेक 1/2 चम्मच, तीखा जितना आप पसंद करते हैं, साथ ही साथ इसमें कसूरी मेथी, और इसमें ऐड करेंगे हम ये बेसन, डेढ़ चम्मच मैंने यूज़ किया है। इसमें 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं इसको हाथ से मिला लेती हूँ फ्रेंड, एक अरोमा, एक बढ़िया खुशबू आपको ऐसे में ही आएगी, तो आप सोचिए जब डिश बनेगी तो आपको और आपके पूरे परिवार को ये बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा फ्रेंड तेल डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, सरसों के तेल में बैंगन की सब्जी का मज़ा दोगुना हो जाता है। भरते समय फ्रेंड बैंगन को तभी यूज़ करें जब आप इसको भरेंगे। इसका पहले मैं ये वाला एज काट लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब स्टफिंग शुरू कर लेते हैं। इसको पहले हम बीच में से चीरा लगाएंगे अंदर तक, बस यहाँ तक अच्छे से देखिए, और साथ ही साथ इसके ये कोनों में भी हम हल्के आराम से चीरा लगा देंगे, जिससे खुलने में थोड़ा आसान होगा। ऐसे करके देखिए खुल गया है आराम से। अब इसके साथ हम स्टफ करेंगे इसमें मसाला, अच्छे से भरेंगे। बीच वाले पोर्शन में भरने के बाद साइड वाले पोर्शन में, इससे जो टेस्ट है पूरे बैगन में बहुत इवनली फैल जाएगी। अच्छे से इसे भर के मैं दबा दूंगी, ताकि थोड़ा सा इसका जो मुंह है वो बंद होने का हो जाए बस। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये टूथपिक यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स,
इससे ये बैलेंस में रहेगा। इसी तरीके से बाकी के सारे स्टफ कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं बस इनके थोड़े थोड़े एजेस काट दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है इसकी वजह से। स्टफिंग हो गई है फ्रेंड्स। मैंने गैस पे ये नॉनस्टिक पैन ले लिया है फ्रेंड्स, आप चाहे तो फ्राई पैन भी ले सकते हैं जिस पे लिड लग जाए आराम से। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई ले रही हूँ। अच्छे से इसको हीट अप होने देंगे फ्रेंड्स। सरसों के तेल में मैं ये बैगन मसाला भरवा बना रही हूँ, तो आप सरसों के तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लें। जब उसका धुआं उठने लगे तब ही समझिए कि सरसों का तेल रेडी टू यूज़ होता है, क्योंकि इसमें घास निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तकरीबन 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। हाई फ्लेम पे इसको गर्म होने देंगे बिल्कुल, जब तक कि इसमें से धुआं ना उठे। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से गर्म हो गया है सरसों का तेल और ये धुआं भी निकल के अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इसको बिल्कुल सिम पे कर दूंगी, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने दूंगी। ओके फ्रेंड्स अब हम धीरे धीरे ये स्टफ बैगन को तेल में छोड़ते जाएंगे। इसको हम ऐसे छोड़ देंगे और इसको हम ढक्कन से बंद कर देंगे और 2 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। सिम पे रखनी है हमें आंच को और 2 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 2 मिनट बाद फ्रेंड्स इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसको हमें टर्न करना होगा। मिनट के लिए फिर से इसको हम ढक देंगे, फिर से इसको चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी खुशबू दे रहा है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। साइड बाय साइड इसे हम पकाते रहेंगे। अब आपको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 साइड रह गए हैं इसको थोड़े से होने के लिए, तो ये ओपन पैन में भी हो जाएंगे। ऐसे खुले में आप इसको 1-1 मिनट करके इसको टर्न करते रहिए। कभी कभी टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा अलग हटके, मिक्सर ग्राइंडर से हटके भी अगर आप एक बार सिम से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट। फ्रेंड्स बस अब 1 मिनट बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ही सीखने के लिए छोड़ देंगे। लीजिए बनके तैयार है हमारा देसी स्टाइल में बैगन मसाला भरवा। बनाइए एक बार ज़रूर और अपने घर में इसका रिएक्शन देखिए, आपके घर वालों को ये बहुत बहुत पसंद आएगी। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छा लगा क्या चीज़ नहीं लगा। कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आशुतोष किचन। थैंक यू।